ये बड़ी प्राउड है तुझसे अपने आप में। मैंने बाल आधा कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। Hey everyone, welcome to a new vlog. तो आपको पता होगा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रसू, वो रह रही है जम्मू में और वो पिछले 10,00,000,000 सालों से मेरे को बुला रही है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बैठा, वो बुला रही है मेरे को कि जम्मू आ जम्मू आ जम्मू आ, दिवाली से पहले हम थोड़ा घूमेंगे इंजॉय करेंगे, इसलिए आज मैं बैग शैक पैक करके जा रही हूँ जम्मू। Let's go. तो बहुत ही ज़्यादा मेहनतों मशक्कतों के 8 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच गई जम्मू और ये हमारी टनल जो पिछले 2 साल से बन नहीं रही है और इसे हवा में हाथ फेरते फेरते मजे से मैं पहुंच गई जम्मू एंड बहुत थक गई थी एंड फिर उसके अगले दिन मिलती हूँ मैं आपको। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, अभी हुई है हमारी सुबह जम्मू में, मैं आई हूँ जम्मू यस, क्योंकि रसलीन और मैंने थोड़ा घूमना है एंड अभी तो वैसे मैं वेडनेसडे है तो सत्संग होता है वेडनेसडे को सुबह, तो मैं तैयार शहर होके जा रही हूँ सत्संग। राज दीदी बस आ रहे हैं और ये देखो ये मेरा आउटफिट है सत्संग। वैसे मैं कुछ भी बन के निकल जाती हूँ हमेशा, ट्राउजर टी शर्ट कुछ भी, बट आज मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को इसके बाद निकलना है रसलीन के पास, जो कि रसलीन को नहीं पता। रसलीन को लग रहा है कि मैं कोई शाम को आऊँगी या दिन को आऊँगी, बट मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊँगी क्योंकि मैं वैसे बाहर निकल ही रही हूँ, तो फिर मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊंगी उसके पास भी एंड जाके उसको सरप्राइज दूंगी। रसलीन ऐसे उसको, वो सोई होगी मुझे पता ना, वो सोई रहती है 12-12 बजे तक, उसको ऐसे जगाऊंगी रसलीन उठ फिर वो ऐसे हैरान हो जाएगी क्या बस तू कहाँ से आई, तो मजा आएगा बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। और हाँ बस वो देखो सनराइज हो चुका है, सुबह सुबह हो चुकी है एंड मे बी प्रीटी बच्चा बन चुका। मैंने राजदी की कुर्ती पहनी है एज ऑलवेज। रुक जाओ मैं अपना आउटफिट अच्छे से दिखाती हूँ। वो देखो राजी दीदी भी आ रहे हैं, उन्होंने भी ट्रेडिशनल पहना है। मैंने भी लाइक नॉट फुली ट्रेडिशनल, काइंड ऑफ ट्रेडिशनल, नीचे मैंने बैगी जीन्स पहनी है, ऊपर मैंने ये फ्रॉक टाइप कुर्ती पहनी है। तो यस, तो व्लॉग में आना चाहते हो? तो राजी दीदी मुझे मिल चुके हैं, आजकल बड़े सेलिब्रिटी लोगों का क्या पता, मतलब वो व्लॉग में आना चाहे ना आना चाहे, ये देखो कंफर्टेबल हो ना हो ऐसे ही। आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक दिस, बताओ मैं आपको कंफर्टेबल नहीं हो बताओ मैं बस। तो गाइस एक बात बताती हूँ आपको, रात को क्या हुआ, राजी दीदी और मेरे को दोनों को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, ये मेरे को आ रही थी तुझे नहीं आ रही थी। चलो मैंने इनकी भी नींद बड़ा वो कर दी, उड़ा दी, भेज दी, उड़ा दी साइड हो गए। तो फिर ये बोलते कि कुछ अनकन्वीनियंट बात बोली मेरे आगे से बोला, अनकन्वीनियंट क्या होता है बोलू, पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया मैंने, देखिए अनकन्वीनियंट मतलब के कुछ ऐसा जो मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, जो तुझे आसान नहीं लगा, मुश्किल लगा तुझे? मतलब कुछ ऐसा जो मुझे नॉट ओके लगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला, शीर की स्टोरी भी जा चुकी है और मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। तो गाइस मैंने राजदी को बोला अल्लाह, तो फिर राजी दीदी बोली बड़ी प्राउड है तुझसे अपने आप में, मैंने बाल अलग कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने बोला लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट से एंड मूव ऑन। क्या क्रेजी लाइन बोल रही मैंने, तूने खुद नहीं बनाई है, बहुत पुरानी लाइन है। पर बोली तो मैंने अड़ा के साथ, शाबाश इसको शाबाश कर दो यार, कमेंट सेक्शन में शाबाश चाहिए मेरे को, ठीक है। गाइस तो मैं आ गई सत्संग घर से और मैंने लिया कोकोनट पीने के लिए और कोकोनट वाटर मतलब पीने के लिए। वो बंदा बोल रहा था इसमें मलाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने बोला है, उसने बोला नहीं है। मैंने बोला मैं निकाल के दिखाऊं, बहुत अच्छा रुको निकाल देता हूँ। फिर इसमें से मलाई निकल आई, थोड़ी सी निकली पर निकल आई, तो अब मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। गाइस ये दूर से आपको ऑटो जाते हुए दिख रहा है, पता है मैंने अभी इसकी वीडियो कैसे रिकॉर्ड की, वो ऑटो 2 मिनट के लिए रखा था, उसके साइड पे जगह थी फोन रखने की, मैंने वहाँ पे फोन रख के रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे मैंने राजदी को टाटा बाय बाय बोल दिया था और मैं बैठ गई थी मेटाडोर में, और ये क्लिप मैंने स्पेशली इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये इंसान मेरे को बहुत सा घूर रहा था और मेरे रिकॉर्ड करने के बाद इसने घूरना बंद कर दिया, तो आप भी हैक ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने पहलवान से डोसा पैक करवा लिया रसलीन और मेरे लिए एंड यार रसलीन जाग चुकी है, उसकी मुझे 3 कॉल्स आ गई और फिर मैंने फाइनली पिक कर ली, पर मैंने बोला कि मैं घर के बाहर आई हूँ अपने, वहाँ पे मेरा यहाँ से कोई 1-1.5 घंटा दूर है, तो मैंने बोला अभी राजदी और मैं बाहर आए कुछ खाने के लिए लेने एंड फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे घर जाके, फिर उसके बाद मैं निकलूंगी
तो वो बोलती यार बस अभी तो तेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटा लग जाएगा। तो हाँ मैंने उसको झूठ बोला। तो अब लाइक अभी मैं उसके घर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी और फिर वैसे हैरान हो जाएगी कि वो सू तो कैसे आ गई। और पर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर भी मैंने डोसा ले लिया क्योंकि मैंने नहीं किया, वो थोड़ा सा खा लेगी, मैं बाकी सारा खा लूंगी। तो हाँ लेट्स गो। यार ये जगह कितनी सुंदर है गांधीनगर, ये देखो पार्क वगैरह। मैं पहुंच गई हूँ रेस्टिंग के पीछे, चलो ये तो नहीं है, ये पीजी है ना, आपको नहीं पता, तो गाइज मैं रिसलिन के पीछे पहले आई हूँ और मेरे को लोकेशन भी पता थी। और यहाँ पे जब मैं इस बार आई तो जो पीजी का गेट मैंने खोला, तब पहले जब मैं आई थी तब अंदर एक बन्नी सी थी जिसको टप के जाना पड़ता था अंदर रूम्स के लिए, पर वो बन्नी थी ही नहीं इसमें। और गेट सेम था, सब कुछ सेम था, पर बन्नी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई कि यही पीजी था बट ये नहीं लग रहा। फिर मैं लोगों से पूछने शुरू हो गई कि ये पीजी है या नहीं, और मैं रिसलिन को भी नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मैंने उसको सरप्राइज दे रहा था, तो इसलिए 15-20 मिनट में यहीं पर भटकती रही। यार मैं रिसलिन का पीजी भूल गई, अब ढूंढ रही हूँ इधर उधर, कहीं तो मिल ही जाएगा। गाइस मैंने हार मान के रस्सू को बुला ही लिया क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से पीजी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ उसका, पर मेरे को पीजी नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार रस्सू मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहती थी, जल्दी बाहर आ, मेरे को पीजी नहीं मिला। तो अब वो आ रही है, पता नहीं कहाँ से आएगी, मैंने उसको अपनी लोकेशन शेयर कर दी, मुझे लेने आ रही है। ये गलियाँ पता नहीं यार, याद तो आ रही है पर पता नहीं याद नहीं आ रही, समझ रहा हूँ। मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ और मेरे को एड्रेस ही नहीं याद, ढूंढ ढूंढ के मर गई। यार तेरी यहाँ पे बन्नी होती थी ना, बन्नी चलेगी ना तोड़ दी। यार वही तो मैं सोच रही हूँ, बन्नी नहीं है ये, रसलीन का पीजी लग रहा है पर लोकेशन भी यही आ रही है, पर ये बन्नी मैं इसको बोल रही हूँ तेरी आवाज डबल। पागल है ब्रो, इसने मुझे बोला कि ये अपने घर पे है, मैंने इसको झूठ बोला मैं अपने घर पे हूँ। और मैं आई ना यहाँ अंदर, मैंने देखा कार लगी है, ये तो पूरा घर लग रही है, पीजी थोड़ी लग रही है, यहाँ पे पहले बन्नी थी, बन्नी लोग ने तोड़ दी। मेरा सारा सरप्राइज चौपट कर दिया यार, सरप्राइज गॉन रॉन्ग हो गया गाइस, सरप्राइज गॉन रॉन्ग हो गया मेरा। ओए चल प्लेटें लाइए खाते हैं, क्या हो रहा है ऐसा नहीं है, अरे तेरा रूम चेंज हो गया। चलो गाइस शूज उतारते हैं, रसलीन का नया रूम देखते हैं। कितनी है, इतनी देर बाद मिल रही है, मिली भी नहीं अच्छे से। मैं तो अभी नहीं क्रेजी, शीशा है तेरे कमरे में गाइस, पीजी में शीशा, समझ सकते हो आप। और फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज, थोड़ा सा गॉन रॉन्ग हो गया। यहाँ तक तो दिया ना, अभी थोड़ा सा सरप्राइज तो मिला ना तेरे को, फिर भी मजा आया। मैं तो सोच रही नाने जा रही, नाने जाऊं नहीं जाऊं। मेरे स्लीन और मेरे लिए मैं खान पान लाई हूँ थोड़ा सा। क्या बात है, क्या बात है, शिष्ट में ले गई तू। हाँ तू प्लेटें तो ला, तू ना देखना तो दे, पहले थोड़ी सी मैं ले लूं। वाओ पनीर डोसा, जा 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 प्लेट लेकर जल्दी खाते हैं। मैं भी हैंड वॉश कर लूँ, इतना मेटाडोर से होकर आई हूँ, हाथ गंदे होंगे मेरे गाइस, पर मजा तो आया वैसे। तो गाइस ये रहा हमारा डोसा, ये रहा सांबर चटनी जो भी होता है, सांबर नहीं मतलब जो भी है। और रसू कैसा लगा मेरा डोसा, अभी खाया ही नहीं। तो गाइज एक कहानी हुई कल रसलीन के साथ, रसलीन कहीं से आ रही थी तो एक अंकल थे उनको रसलीन ने राह दिखाई, रास्ता अंकल रास्ता भूल गए थे, तो अंकल बोलते कि थैंक यू बच्चा सो मच ये वो, और अंकल जाते जाते रसलीन को ये लॉकेट पकड़ाया और निकल गए। बोलते थैंक यू बेटा आपने मेरे लिए हेल्प की, और ये लो लॉकेट, ये पकड़ाया और चले गए। क्या बात है, फिल्मी चीजें हो रही है तेरे साथ रसू, पिछले दो चार दिनों से फिल्मी चीजें ही हो रही, आज फिल्मी चीज होगी, मैं सरप्राइज दे दिया तेरे को, है ना। अभी डोसा गाइस, अब ये डोसा खा के हम देखेंगे कि कैसा स्वाद होता है, है? यार थोड़ा पुराना हो गया। रसलीन भी अब डोसा रिव्यू देगी। रसलीन मैंने तेरे को आज तक कितने सरप्राइज दिए हैं ना, जब भी आती है सरप्राइज देती है, है ना। क्रेजी क्रेजी है ना। चलो अब हम खाते पीते हैं, आपको बाद में मिलते, देखते हैं हम आज के लिए क्या प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी कि रसलीन की हाइट कैसे लंबी हो गई। मैं रो पीट रही थी कि यार रसलीन ये कौन सी बात हुई यार, तू मेरे से लंबी कैसे हो सकती है, और वो बोल रही कि मैं अपने आप हो गई लंबी, अब क्या करूँ। Dear future husband.
one and only in my life. ठीक है, ओके चलो. If future husband, there's a few things you need to know. If you wanna be my one and only all my life. ठीक है, एक बार पढ़. गाइस हम एक रील बना रहे हैं, उसके लिए हम लिरिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. मतलब मैंने वो गाना पहले सुना है पर इसने नहीं सुना, तो इसको मैं याद करा दी थी. तो यस, मेरे को भी थोड़ा भूल रहा था, तो अभी हमने याद किया. एंड क्रेजी रील बनाने वाले हम लोग, हमारे उसमें देख लेना, ठीक है. तो गाइस इसके बाद हमने काफी सारी मस्ती की और रील वगैरह भी बनाई. और ये वाली रील मैं आपको यहाँ पे सही से नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए आप मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. एंड इसके बाद हमने एक चैलेंज वीडियो भी रिकॉर्ड की जिसका नाम है हाउ वेल डज माई बेस्ट फ्रेंड नो मी. और ये करते करते हमने एक दूसरे के इतने सारे सीक्रेट्स भी हमको पता लग गए और ऐसी ऐसी चीजें हुई. तो हाँ, ये आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, वरना ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वो वीडियो बहुत लंबी है. तो इसलिए बाय बाय, टू बी कंटिन्यूड.